औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन सेफ एंड हेल्दी। ओके जी, नाउ टुडे इज वेनसडे एंड द डेट इज 2nd September 2020। टुडे इज द थर्ड डे ऑफ द वीक। So we start our day with the name of Allah, Rabbi Zidni Ilma, Ay Allah, Mere Ilm Mein Izafa Ta Farma, O Allah, Increase My Knowledge. Now your first class is English class. Take out your English verb book. Take out your English verb book and take out page number 21. ओके जी, यस्टरडे वी स्टार्ट अ न्यू टॉपिक यूज़ ऑफ ही शी इट। हमने कल टॉपिक स्टार्ट किया था ही शी इट का। ही इज़ यूज्ड फॉर अ बॉय और मैन। ही हम किसके लिए यूज़ करते हैं, बॉय या मैन के लिए। शी इज़ यूज्ड फॉर अ गर्ल एंड वमेन। शी हम किसके लिए यूज़ करते हैं, लड़की के लिए या औरत के लिए। एंड इट इज़ यूज्ड फॉर एनिमल और थिंग्स। इट हम किसके लिए यूज़ करते हैं, जब हम किसी एनिमल के बारे में बात कर रहे हो या अगर हम किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो तो हम उसके लिए इट यूज़ करते हैं। ठीक है, नाउ टेक आउट पेज नंबर 21। फर्स्ट यू कैन राइट डेट एंड डे सी डॉट डब्ल्यू। टुडे इज Wednesday, WEDNESDAY day, Wednesday, and today is 2nd September 2020. Okay ji, the question is use of he, she and it. Complete the sentences by using he, she and it. Complete the sentences by using he, she and it. There are different sentences. इसमें इस पेज पे different sentences दिए हुए हैं, आपने उसमें he, she और it को put करना है। ठीक है, ओके जी। नाउ फर्स्ट इज डैश इज अ बॉय। मैंने कहा था ना कि बॉय के लिए ही यूज होता है, सो यू कैन राइट ही एच कैपिटल बिकॉज ये स्टार्टिंग है ना लाइन का। सो एच ई ही एच कैपिटल एंड ई स्मॉल। ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय। We start our day with the name of Allah. Okay ji, he is a boy. Dash is a boy. So boy के लिए हम क्या use करते हैं, he use करते हैं। H E he, you can write he, H E he, he is a boy, he is a boy. Okay ji, next his name is Ali. Sorry, okay ji, his name is Ali. वो Ali के बारे में बात कर रहे हैं कि he is a boy, Ali एक लड़का है। his name is Ali, Ali एक लड़का है, उसका नेम क्या है, Ali। ठीक है, dash is an intelligent student, he is an intelligent student, H E he। जब हम फुल स्टॉप के बाद जब हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो हम उसका पहला वर्ड कैपिटल लिखते हैं। सो अगेन हमने एच कैपिटल लिखा बिकॉज अली के बाद फुल स्टॉप आ गया। ठीक है, सी अली के बाद फुल स्टॉप आया तो हमने उसके बाद एच कैपिटल लिखा। ठीक है, ही इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अगेन ही इज़ अ बॉय, वो एक लड़का है। हिज नेम इज अली, उसका क्या नेम है, अली नेम है। ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, वो एक काबिल लड़का है। इंटेलिजेंट मीन्स काबिल, जो लाइक बच्चे होते हैं ना उनको हम कहते हैं ना इंटेलिजेंट स्टूडेंट है ये। ठीक है, हिज नेम इज अली, ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। वो कहते हैं ही इज़ अ बॉय, वो एक लड़का है। हिज नेम इज़ अली, उसका क्या नेम है, उसका नेम है अली।
ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। दोबारा इंटेलिजेंट का वर्ड पढ़े, बार बार पढ़े कि आपको पता हो कि इंटेलिजेंट किसे कहते हैं, काबिल को कहते हैं। ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ठीक है। डैश लाइक्स टू ईट बनाना, उसको क्या पसंद है फ्रूट में, ही लाइक्स टू ईट बनाना। ही एच ई ही, दोबारा फुल स्टॉप आया इसलिए हमने एच कैपिटल लिखा, ओके। ही लाइक्स टू ईट बनाना, उसे फ्रूट में क्या पसंद है, वो क्या खाना पसंद करता है, बनाना, ठीक है। ही लाइक्स टू ईट बनाना, ही लाइक्स टू ईट बनाना, ओके जी। डैश प्लेज विद हिज टॉयज, वो क्या करते हैं, ही प्लेज विद हिज टॉयज, वो अपने टॉयज से खेलता है, अपने खिलौनों से खेलता है। ही प्लेज विद हिज टॉयज। अगेन, ही इज अ बॉय, हिज नेम इज अली, ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ही लाइक्स टू ईट बनाना, ही प्लेज विथ हिज टॉयज। ये हम सारा किसके बारे में पढ़े हैं, अली के बारे में। सबसे पहले हमने बताया कि ही इज अ बॉय, वो एक लड़का है, उसका नेम है अली। ही, वो एक काबिल बच्चा है। ही लाइक्स टू ईट बनाना, वो बनाना उसको अच्छा लगता है, उसको पसंद करता है बनाना, बनाना वो ईट करता है, ठीक है। ही प्लेज विद हिज टॉयज, वो अपने खिलौनों से खेलना पसंद करता है। ही प्लेज विद हिज टॉयज, वो अपने खिलौनों से खेलता है, ओके जी। नेक्स्ट, हिज मदर लव्स हिम, उसकी मामा उसको बहुत प्यार करती है, ठीक है। अली को, किसको, अली को। हिज मदर लव्स हिम, उसकी मामा उसको पसंद करती है, ओके जी। डैश कुक्स फॉर हिम शी, अब जो है उसकी मदर के बारे में बात हो रही है ना। हिज मदर लव्स हिम, कि उसकी मामा उसको प्यार करती है और उसके लिए उसको खाना बनाना उसको अच्छा लगता है। सो यहाँ पे आता है शी कुक्स फॉर हिम। फुल स्टॉप आया, फुल स्टॉप के बाद एस कैपिटल राइट करना है, ओके। शी, एस एच ई शी, एस एच ई शी, शी कुक्स फॉर हिम, शी कुक्स फॉर हिम, ही हिज मदर लव्स हिम, उसकी मामा उसको प्यार करती है। शी कुक्स फॉर हिम, वो उसके लिए खाना बनाती है, ठीक है। डैश हेल्प हिम डू हिज होमवर्क, शी हेल्प्स हिम, एस एच ई शी। पहले अली के बारे में बात हो रही थी, अब उसकी मदर के बारे में बात हो रही है, ठीक है। शी कुक्स फॉर हिम, शी हेल्प्स हिम डू हिज होमवर्क, वो जो है ना वो होमवर्क करने में उसकी मदद करती है, उसकी हेल्प करती है। जैसे आपकी मामा आपकी हेल्प करती है ना आपका होमवर्क करने में, लाइक आपको कुछ नहीं आ रहा हो घर में, आप होमवर्क कर रहे हो तो आपकी मामा हेल्प करती है ना, इसी तरह अली की मामा भी उसकी होमवर्क, उसके होमवर्क में उसकी हेल्प करती है, ठीक है। शी कुक्स फॉर हिम, शी हेल्प्स हिम डू हिज होमवर्क, वो क्या करती है, यहाँ पे आएगा शी हेल्प्स हिम डू हिज होमवर्क, ओके जी। नेक्स्ट देखिए, डैश इज वेरी काइंड एंड प्ले विद हिम, शी इज वेरी काइंड, शी फुल स्टॉप के बाद आता है शी का एस कैपिटल, शी इज वेरी काइंड, वो बहुत रहम दिल है, उसकी मामा बहुत रहम दिल है, बहुत अच्छी है, एंड प्लेज विद हिम, वो उसके साथ खेलती भी है। जैसे आपकी मामा आपके लिए कुकिंग भी करती है, आपका होमवर्क में भी आपकी हेल्प करती है, आपके साथ खेलती भी है, कभी कभी आपके साथ खेलती भी है ना जब वो फ्री हो तो। इसी तरह अली की मामा भी उसके लिए कुकिंग भी करती है, उसकी होमवर्क में उसकी हेल्प भी करती है, और वो एक रहम दिल है, उसके साथ खेलती भी है, ठीक है, ओके जी। डैश हैज अ टेडी बियर, इट हैज अ टेडी बियर, डैश हैज़ अ टेडी बियर, वो कहते हैं कि उसके साथ एक टेडी बियर भी है। मैंने आपको बताया है ना कि जब हम किसी चीज़ के बारे में या किसी उसके बारे में बात कर रहे हों तो हम उसके लिए इट यूज़ करते हैं। आपने पढ़ा है ना, इट इज़ यूज्ड फॉर एनिमल्स और थिंग्स, तो टेडी बियर एक थिंग है ना, एक टॉय है ना, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इट, आई टी, इट हैज अ टेडी बियर, वो कहते हैं अली के पास एक टेडी बियर है, इट हैज अ टेडी बियर।
फिर ही लिखेंगे कि अली जो है ही लाइक्स he likes it very much. Okay ji, again dekhe, she is very kind and plays with him. It has a teddy bear. Uske paas ek teddy bear hai. He likes it very much. Ali jo hai wo usko pasand karta hai. He likes it very much. He humne use kiya Ali ke liye aur it humne use kiya teddy bear ke liye. Theek hai? Okay ji. It is brown in color. अब ये टेडी बियर के बारे में बात हो रही है. देखिए पहले हमने बात की अली के बारे में तो हमने ही यूज़ किया, फिर बीच में उसकी मामा के बारे में हमने बात की तो हमने शी यूज़ किया, बिकॉज ही इज़ यूज फॉर बॉय एंड शी इज़ यूज फॉर गर्ल. फिर हमने उसके टेडी बियर के बारे में बात की तो हमने क्या यूज़ किया, इट. इट हैज़ अ टेडी बियर, ही लाइक्स इट वेरी मच. वो अब टेडी बियर के बारे में बात कर रहे हैं कि इट इज़ ब्राउन इन कलर. ओके जी, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक कर दिए. थैंक यू सो मच ज़ारा ज़वार मदर्स. आई थिंक इट्स यस, ही आएगा. ही हैज़ अ टेडी बियर, ठीक है. ही हैज़ अ टेडी बियर, यहाँ पे ही आएगा. सॉरी फॉर मिस्टेक. ही हैज़ अ टेडी बियर, उसके पास एक टेडी बियर है. ही लाइक्स इट वेरी मच, ठीक है. It is brown in color. अब वो उसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है, कि वो brown color का है. It has big black eyes. Full stop के बाद it आएगा. So it has big black eyes. वो बात कर रहा है teddy bear के बारे में. He has a teddy bear. उसके पास एक teddy bear है. He likes it very much. वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद करता है. It is brown in color. वो brown color का है. उसकी big eyes है. उसकी big black eyes है. It has big black eyes and soft fur. यहाँ तक कर लिया सबने. इट हैज़ बिग ब्लैक आईज एंड सॉफ्ट फर है. ही इज हिज फेवरेट टॉय, वो उसकी क्या है, फेवरेट टॉय है. अगेन मैं रिवाइज करवा लेती हूँ, ठीक है. आज हमने पढ़ा यूज ऑफ ही शी एंड इट. कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय यूजिंग ही शी एंड इट. ही इज अ बॉय, वो एक लड़का है. हिज नेम इज अली, उसका नेम क्या है, अली है. He is an intelligent student. वो एक काबिल बच्चा है, ठीक है. ये हम अली के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो इसलिए हम ही यूज़ कर रहे हैं. He likes to eat banana. उसे क्या खाना, उसे फ्रूट में कौन सा फ्रूट पसंद है, बनाना, ठीक है. He plays with his toys. वो अपने खिलौनों से खेलता है. His mother loves him. उसकी मामा उसको प्यार करती है. अब यहाँ पे उसकी मामा का नेम आ गया ना, तो हम यूज़ करेंगे शी. शी कुक्स फॉर हिम, वो उसके लिए खाना बनाती है. शी हेल्प्स हिम डू हिज होमवर्क, वो उसकी मदद करती है होमवर्क करने में. शी इज़ वेरी काइंड एंड प्लेज विद हिम, वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहम दिल है, उसके साथ खेलती भी है. यहाँ पे ठीक कर लें, ही हैज़ अ टेडी बियर, उसके पास एक टेडी बियर है. He likes it very much. वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता है. अब यहाँ पे हम टेडी बियर के बारे में बात करें, ठीक है. It is brown in color. वो कौन से कलर का है, ब्राउन कलर का है. It has big black eyes and soft fur. ठीक है, उसकी जो है वो ब्लैक आईज है एंड उस पर सॉफ्ट सा फर है, ठीक है. उसने टेडी बियर के बारे में बताया कि वो ब्राउन कलर का है, उसकी ब्लैक आईज है और सॉफ्ट फर है उस पर. ही इज़ His favorite toy, वो उसकी, वो अली की जो है ना वो favorite toy है. वो teddy bear जो है वो उसकी favorite toy है, ठीक है. Okay जी, जिसने मेरे साथ कर लिए, ठीक है. अब
ओके शिबली, आई थिंक इट्स अ वेरी कंफ्यूजिंग, थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग था, यहाँ पे इट कर दे, अगर आपको लगता है कि इट है तो ठीक है, हम इट कर देते हैं, ठीक है इसको। इट इज हिज फेवरेट टॉय, इट इज हिज फेवरेट टॉय। ओके थैंक यू सो मच मदर्स, कि आज आप मेरी हेल्प कर रही हैं, ठीक है। ओके जी, नाउ आई कॉल योर नेम।